हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजीएसईटी 2022 के बारे में। जी हां गाइस, आप लोगों का सीजीएसईटी 2022 का जो गाइस यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए गाइस अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सबसे पहले सीजीएसईटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक स्टेट लेवल एग्जाम है गाइस। और ये एंट्रेंस एग्जाम गाइस आप लोगों का जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एग्जाम गाइस आप लोगों का ऑफलाइन मोड में होगा। पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर के थ्रू। और गाइस यहाँ पे आप लोग जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आप लोगों का इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई करते हैं, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में यहाँ पे जो है यहाँ पे जो उनको पोस्ट मिलती है। अब नेक्स्ट इसके बाद में डिटेल में जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेट्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में ऑर्गेनाइज कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल्दो अभी तक यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की जो ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ऑफिशियल डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में आपको हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं, तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकते हैं, मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। तो क्या करना होगा कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। सो गाइस आप लोगों को जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है विथ योर सम बेसिक पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, देन यू हैव टू फिल योर पेरेंट्स डिटेल्स, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकेडमिक डिटेल्स, आफ्टर दैट यू हैव टू अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर एंड सम डॉक्यूमेंट्स, देन फाइनली यू हैव टू पे योर एप्लीकेशन फी। सो गाइस ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। इसमें कोई भी गड़बड़ की है, कोई मिस्टेक की है, कोई इनवैलिड डिटेल्स एंटर किए, आपका सीजीएसईटी 2022 का एप्लीकेशन ये भी डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। तब आपको गाइस क्या करना है, जैसे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक आपको इवन उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को जहाँ पे कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। एप्लीकेशन फी की बात करें तो गाइस आप लोग अपने एप्लीकेशन भी डायरेक्टली यहाँ पे जो है ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले एज लिमिट बता दूं तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है सीजीएसईटी के लिए। और उसके साथ साथ आप लोगों के पास यहाँ पे जो है पीजी की डिग्री रहनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मास्टर्स की। अगर डिग्री के आप फाइनल ईयर में हो, करंटली परस्यू कर रहे हैं फाइनल ईयर, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कास्ट के लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि उन्हें 50% यहाँ पे मिनिमम लाना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपके इस एग्जाम में। पेपर 1 और पेपर 2 में 1 hour 15 minutes का टाइम दिया जाएगा, पेपर 3 के लिए 2 hours 30 minutes का टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स के लिए रहेंगे, दोनों में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 के 50 अटेम्प्ट करना कंपलसरी फॉर 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। पेपर 3 में आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे अटेम्प्ट करना कंपलसरी फॉर 150 मार्क्स। यहाँ पे भी अगेन एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस की बात करें, सिलेबस यहाँ पे काफी ज्यादा वास्ट है, तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिलेबस की लिंक आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में देती है वहां से आप डायरेक्टली कंप्लीट सिलेबस आसानी से बिना किसी परेशानी के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एडमिट कार्ड की बात करें तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम देना तो दूर की बात है, इवन आपको एग्जाम सेंटर में भी नहीं लिया जाएगा।
तो मेक श्योर कीजिए आपने एडमिट कार्ड 3 से 4 प्रिंटआउट निकाले हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड कब रिलीज हुआ और या फिर किस तरह से उसे डाउनलोड करना है, उसके ऑफिशियल लिंक है, और इस वजह से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज हो उसके ऊपर हम वीडियो बना दें। सेम वीडियो को देखना है, स्टेप्स फॉलो करने, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर आपको नोटिफाई किया जाएगा जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप कि आप लोगों को CGSET 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।